वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल सिटी जेट जो ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री में टुडे यू स्टडी क्लास 11 वेक्टर की वीडियो नंबर 3 1 और 2 में बहुत ही पता चल गया वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं जिसका मेजर 1 होता है। पहला वेक्टर क्या होता है a इक्वल टू m इसमें लिखेंगे a इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2a। इसके पैरेलल एक वेक्टर लिखने को देखो कोई भी मैग्नीट्यूड का 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 1 बाय 2 से 1 बाय 2 इनटू ऐसे लिखेंगे तो क्या ये पैरेलल होगा। b एक नया वेक्टर है जो किसके पर है a के रूप में जरूर होना चाहिए। b और a पैरेलल है तो यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है a में कोई भी नंबर हो सकता है प्लस भी माइनस भी डिस्कस कर चुके थे। देखो अभी बनाते हैं और वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a हूज मैग्नीट्यूड इज सेवन ऐसे बनाएं। एक b वेक्टर निकालना है जो a के ही डायरेक्शन में है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे कोई मतलब नहीं है वो नया मैग्नीट्यूड सेवन होना चाहिए। तो क्या करेंगे 4i + 3j + 2k by कितना होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए तो 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 16925। ये एक बी एक ऐसा फैक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 हो गया जिसका जितना मैंने डिवाइड कर दिए लेकिन पहले तो ये रह गया लेकिन हमको 7 मैग्नीट्यूड का चाहिए बस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ओवरऑल आंसर लिखा तो इसे लिख सकते हैं 7 4 22 i / 29 किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए बढ़ते हैं अगला चीज। इन दिस वे यू लर्न अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं बता दिए। पैरेलल वेक्टर्स बहुत तरह का मिलता है जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर पैरेलल वेक्टर के बारे में बता दिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं एंगल हेड और टेल क्या होता है। ध्यान सुनिए ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। हेड एंड टेल क्या होता है जहां से वेक्टर निकलता है उसको टेल बोलते हैं और जहां पहुंचता हेड देख रहे ऐसे तो ये टेल होता है और ये हेड होता है। ये एक वेक्टर मान लीजिए ए कोई वेक्टर है तो इसका टेल कहां पे है ओ में और इसका हेड कहां पे है पी में। इसका मैच्योर वगैरह सब आई जे के में ही लिखा हुआ रहेगा। इज इट क्लियर। तो बोलिए तो इसका हेड कहां पे होगा हेड कहां पे होगा पी में और टेल कहां पे होगा ओ में। क्लियर है। एक वेक्टर बी है बोलिए इसका हेड कहां पे होगा इसका हेड कहां पे होगा जहां जा रहा है और टेल कहां पे होगा ओ में। तो हेड और टेल क्या होता है वेक्टर का समझ आ गया। जहां से वेक्टर ओरिजिनेट होगा उसको बोलते हम लोग टेल जहां पहुंचेगा उसको हेड। ये कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा क्वेश्चन वेक्टर का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड नोट कीजिए। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में कहीं पर भी होगा मान लीजिए उनके बीच का एंगल को कैसे हम लोग कॉन्सेप्चुअल वाइज सोचते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो बताया जाएगा। ध्यान सुनिए इसका एक कॉन्सेप्ट है बहुत सा कॉन्सेप्ट है कोई भी एक कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए बहुत सा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना एक ही करना सब में आंसर सेम आएगा। कि एंगल तब लिया जाता है जब हेड एंड हेड और टेल एंड टेल उसका ज्वाइन होता है। हेड एंड हेड दो वेक्टर अलग अलग रहेगा हेड एंड हेड टेल एंड टेल। जिसे यहां देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है ए क्लियर है और दूसरा वेक्टर है बी क्लियर है
OA वेक्टर का टेल यहां पे है और हेड यहां पे है, क्लियर है? OB वेक्टर का टेल यहां पे है और हेड यहां पे है। तो जब भी एंगल देखना हो तो कौन सा एंगल देखा जाता है, या तो टेल टेल में मिलाइए चाहे हेड हेड में मिलाइए, इसका आंसर बताइए। A इज ए वेक्टर, B इज अदर वेक्टर, इसका एंगल कौन सा होगा? ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत कोई ट्वेल्थ पास कर जाते हैं और एंगल को भी सर कभी ये वाला एंगल लिखें कि वो वाला एंगल लिखे, बार बार पूछ के अपना भी कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं रखते हैं, दूसरा टीचर को भी परेशान करते हैं। एक बार जब टीचर को बता रहे ध्यान से सुन लीजिएगा कि कौन सा एंगल लिया जाता है। आपसे हम पूछेंगे कि क्या ये ए और बी के बीच का एंगल है, क्या आप बता पाएंगे कि ए और बी दो वेक्टर इस तरह से इंक्लाइंड है किसी पॉइंट पर, उनके बीच का एंगल क्या थीटा है? बहुत कुछ सोच रहे हैं, नहीं है क्या? सोचिए हमेशा ए और बी दो वेक्टर के बीच का एंगल जानने के लिए क्या उनका दोनों का हेड या दोनों का टेल उस पॉइंट पर मिला हुआ है? देखते हैं, मान लीजिए कि ओ वेक्टर ओपी ए वेक्टर सॉरी इसका ये क्या है टेल, तो ये इसका क्या होगा हेड, क्योंकि इधर की ओर जा रहा है, इसका हेड इधर है, ये हेड नहीं है, ये जहां से ओरिजिनेट हुआ। बी वेक्टर का तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा टेल और ये वाला क्या होगा हेड, तो हेड और टेल एक जगह नहीं मिला हुआ है, ये थीटा एंगल नहीं होगा। तो कैसे सोचते हैं ये एंगल नहीं होगा, क्योंकि ए का क्या मिल रहा है हेड, जिस पॉइंट पर एंगल निकालना है, और बी का क्या मिल रहा है वहां पे टेल, तो कैसे करेंगे? तो इसका एक ही रूल है, ध्यान से देखिए, एक बार समझ लीजिए उसका, देख रूल बता देंगे तुरंत जान जाइएगा। ये ए है, जब भी ऐसा केस आ गया ना तो क्या करिए, इसको आगे बढ़ाइए, तो हेड तो इसका इधर हो गया, ये तो उधर जा रहा है, तो ये पॉइंट पर टेल ही कल आएगा, और ये बी है, किसी ए को ऐसा चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए बी का टेल ए का भी टेल दोनों है कि नहीं, तो ये वाला थीटा एंगल नहीं है, ये वाला थीटा एंगल, हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा वेक्टर चैप्टर, इवन मोशन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन फिजिक्स में कभी पढ़ेंगे ये बहुत भरपूर यूज होता है, एंगल सर कौन सा लिखें आप समझाइए ना, अक्सर कभी ये वाला लिखते हैं कभी वो वाला लिख देते हैं, तो कौन सा लिखते हैं जहां पे या तो दोनों का हेड मिले या दोनों का टेल मिले, अंडरस्टूड, दोनों का हेड मिले या दोनों का टेल मिले। एक और एग्जांपल दिखा, आपको चार पांच ऑप्शन देंगे, अभी चार पांच क्वेश्चन बना के दिखाएंगे जिसमें आपको एंगल के बारे में समझ में आ जाएगा, हेड के बारे में, टेल के बारे में समझ में आ जाएगा, तब हम लोग आगे जाके फिजिक्स का जो टॉपिक्स है वेक्टर चैप्टर में वो पढ़ पाएंगे। लुक हियर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, बस ऐसे लिखा हुआ है, दोनों के बीच को एंगल दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, ऐसे आपस में कनेक्शन भी नहीं, तो कनेक्शन भी करना पड़ेगा, ए उधर बी इधर, ए को वैसे ही लिखिए, बी को ऐसा कम से कम इंटरसेक्ट होना चाहिए, इसी को उसी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर दीजिए, तो ये टेल है, ये हेड है, किसका? बी वेक्टर का टेल हेड, ये टेल है, ये हेड है, शिफ्ट कर दिए हम, उठा के ऐसे रख दिए एकदम सेम डायरेक्शन में, ऐसे रख दिए, अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं है तो एंगल कैसे जानेंगे हम, आपस में इंटरसेक्ट भी कराना पड़ेगा, और ये क्या है ए वेक्टर, ये क्या है बी। अब इतना इतना आपको पता चल गया, ए कौन है बी कौन है, बताइए कौन सा एंगल होगा बिटवीन ए एंड बी, कौन सा एंगल होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला होगा, होगा, ये टेल है और ये टेल है, इधर की ओर या उधर की ओर, कौन सा एंगल लेंगे? ये हेड इधर है, इसका हेड उधर है, क्लियर है?
तो बी का टेल यहाँ पे कर दिए, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, इसका टेल है, ए का टेल यहाँ है, बी का हेड यहाँ, टेल और टेल में कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये आंसर होगा, ये एंगल थीटा होगा। बस मेरा कैसे किया हम लोग, ये एंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इधर की ओर तो इसका इसका इधर की ओर हेड होगा, अगर ये एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो ये इसका हेड कहलाएगा, फिर इधर की ओर कहेंगे तब ये टेल कहलाएगा, इधर की ओर कहेंगे तब इधर की ओर कहेंगे तो ये इसका हेड कहलाएगा, ये इसका टेल कहलाएगा, तब नहीं होगा। कौन सा एंगल जिधर दोनों का टेल या दोनों का हेड मिलता हो। और एक एग्जांपल देखिए, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल को दर्शाना है, कैसे करें, ए को लिख लिए, बी को उसी डायरेक्शन में उसके पैरेलल जो भी करना है कर लीजिए, ये ए का टेल है तो बी का हेड इधर होगा, इधर ही होगा, टेल उधर ही रहेगा, हेड इधर ही रहेगा, बी को इधर कर लीजिए, तो ये वाला इसका हेड हो गया बी वेक्टर का, और ये क्या, टेल तो उधर ही होगा, हेड इधर होगा। अब दोनों का क्या मिला है, दोनों का हेड हेड मिला है कि नहीं मिला है, हेड और हेड मिला है, तो यही एंगल थीटा होगा। अब तो अंडरस्टूड कैसे हम लोग थीटा एंगल बहुत बार यूज होगा, बहुत ईजी है, दो ही तो वेक्टर रहेगा आपको 11th क्लास में जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे साफ साफ दिख रहा है, देखिए ऐसे, इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। सो इन दिस वे यू लर्न व्हाट इज हेड, व्हाट इज टेल एंड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नाउ कैसे हम लोग वेक्टर्स को सोल्व करेंगे, तो इसके लिए बहुत सा लो है। पहला को बोलते हैं पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर्स। देन पढ़ते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और तब पढ़ते हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ये चार टॉपिक ही शामिल है और चारों का यूज पूरा 11th और 12th हर जगह यूज होगा। ये चार टॉपिक पढ़ेंगे, तो एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल वेक्टर कैसे लिखते हैं कोई डाउट नहीं है, यूनिट वेक्टर क्या होता है कोई डाउट नहीं है, एंगल कैसे सोचते हैं ये सब, तो कोई वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए चार टॉपिक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नोट कीजिए, बता रहे हैं बारी बारी से। तो लोग पहले पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्या होता है ये पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर से नया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उनके बारे में पढ़ना, ध्यान से देखिए, चाहे इमेजिन करिए, मान लीजिए कोई समुद्र में, कोई ओशन में आप हैं, बोटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जरूर स्ट्रीम भी होता है, रिवर में भी होता है, बहुत जगह रिवर में भी है, और ये आपका बोट का डायरेक्शन है, सपोज बोट उधर जा रहा है आपका, और प्लेन में ही है ना, प्लेन में ऐसे है, ऐसे मत देखिएगा, ये आपका बोट का डायरेक्शन है, ठीक है, हमें इसको आप बोट को ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, कर दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बोट का डायरेक्शन है, इधर पेन जो दिखा रहा है व्हाइट कलर का, वो बोट का डायरेक्शन है, क्लियर है। और मान लीजिए स्ट्रीम इधर जा रहा है, ये दिख रहा है, अब बोर्ड में लग रहा है इस तरह से दिख रहा होगा, बोर्ड में ऐसे दिखेगा आपको, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में महसूस कीजिए, प्लेन के ऊपर है ना, समुद्र प्लेन है ना, ऐसे है ना, ऐसे थोड़ी है, इस तरह का प्लेन है, और ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, वो मान लीजिए विंड का डायरेक्शन है, स्ट्रीम का डायरेक्शन है, समुद्र में जो जहाज चल रहा है या बोट चल रहा है उसमें, उसका फ्लैग का डायरेक्शन है ये वाला, तो बोट को क्या हो जाएगा, क्या बोट जिधर जा रहा था क्या उधर जा पाएगा, विंड उधर है, दो वेक्टर हो, विंड में भी डायरेक्शन है, बोट में भी डायरेक्शन है, विंड उधर जा रहा है किधर भी जा सकता है, मान लीजिए इस केस में उधर जा रहा है और बोट उधर है, क्लियर है। अच्छा एंगल तो पता चल गया, ये वाला होगा, बोट उधर जा रहा है तो हेड उधर हो गया, टेल यहाँ हो गया,
विंड उधर जा रहा, तो हेड उधर हो गया, टेल इधर हो गया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में डायरेक्शन है, तो क्या बोट इधर ही जाएगा? नहीं, किधर जाएगा? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज रिजल्ट, इसका वेलोसिटी कुछ है, उसका वेलोसिटी कुछ है, दोनों वेक्टर है, अब बोट क्या, बोट क्या बहुत ढीठ है, हम तो उधर जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन विल बी चेंज। क्या होगा उसका डायरेक्शन? तो एक ड्रॉ करिए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। बी वेक्टर, ए वेक्टर, ए विंड को बता रहा है, माली स्ट्रीम को बता रहा है, विंड को बता रहा है, तो ए और बी समझ रहे हैं, समुद्र ऐसे है, इसमें ऐसे जा रहा है, तो थीटा एंगल तो यही होगा, दोनों का टेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब बताइए दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो एक डायगोनल ड्रॉ करिए उस पैरेललोग्राम का, उस टेल टेल से, दो को डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो वहां से नहीं, एक ऐसा डायगोनल ड्रॉ करिए दोनों का इंटरसेक्शन, जहां दोनों का टेल या दोनों का हेड मिला वहां से, तो ये जो डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा बोट का, बोट पहुंचना चाहता यहां और पहुंचेगा वहां, क्लियर है? बोट वहां नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि विंड है ना, विंड के चलते वो इधर घूम जाएगा, वो किधर होगा? इज अ लो कॉल्ड पैरेललोग्राम लो वेक्टर। सो अगर ए और बी दो वेक्टर है थीटा, उनके बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? उन दोनों से क्या ड्रॉ करिए? पैरेललोग्राम, उनका जो होगा डायगोनल वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। मतलब विंड बेचारा, विंड इधर आएगा, विंड बहुत शक्तिशाली है, कौन चेंज हो सकता है? बी, बी इधर चल जाएगा। ये रिजल्टेंट डायरेक्शन है, रिजल्टेंट मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ सब मिला। जैसे आप बोलते हैं ना, एक आदमी 3 मीटर इधर गया और 4 मीटर इधर गया, आप यहाँ पे थे और एक आदमी बी इधर चला गया, क्लियर है? तो रिजल्टेंट क्या हुआ? 3 और 4 7 नहीं हुआ, ये हुआ ना, इसे रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, ये फाइनल और इनिशियल। इसमें क्या दो अलग अलग वेक्टर हैं, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? जिधर से, जिधर डायगोनल का डायरेक्शन होगा, फॉर्म्ड बाय पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फॉर्म जो बनेगा उधर की ओर ही डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। अब ये बोट का जो वेलोसिटी था, क्या वही वेलोसिटी हो जाएगा? नहीं होगा, बोट का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। साइकिल में अनुभव किए होंगे आप, साइकिल चला रहे हैं, अचानक तूफान आ गया, हवा का बहाव तेज हो गया, साइकिल का स्पीड बदल जाएगा, उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा, उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। तो बी इधर, ए इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन इज गिवन। मैं प्रूव करने आता हूं एग्जाम में, अगला वीडियो में आपको प्रूव करने वाले, लंबा है, ए का स्क्वायर, ए स्मॉल लेटर ही लिख देते हैं, B का स्क्वायर प्लस 2AB प्रूव कर देंगे। इतना जो वैल्यू आएगा ना B, तो ये बोट का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर हो जाएगा, उसका वेलोसिटी भी बदल जाएगा, ये वेलोसिटी होगा। ये कैसे होगा, ये सब के बारे में आपको अगला वीडियो में पता चलेगा, लेकिन पहले हम बहुत सा एग्जांपल करेंगे, मत घबराइएगा, आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो गया। एक और मान लीजिए A इधर है और विंड इधर से आ रहा है, बोट जिधर जा रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन से आ रहा है, तब बोट का क्या होगा? मान लीजिए बोट है, ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए कि विंड है, तब क्या होगा? अभी तो उल्टा पुल्टा हो गया, हेड और टेल अलग अलग हो गया, अब दोनों में से किसी एक को हम लोग ऐसा करना पड़ेगा कि इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाइए, क्लियर है? पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाइए, तो बी इधर हुआ कि नहीं, बी का हेड इधर है तो टेल यहाँ पे हुआ कि नहीं होगा, हेड आगे होगा, टेल पीछे ही रहेगा कि नहीं? अब बी इधर, ए इधर, अब दोनों का रिजल्टेंट किधर मालूम है? ये बी है, ये ए है, क्या ड्रॉ करिए? दोनों से क्या ड्रॉ करिए? पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, दोनों से पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, अलग एकदम आउटवर्ड होना चाहिए, दोनों का टेल मिलना चाहिए, हेड और टेल से नहीं चलेगा, ये वाला नहीं होगा रिजल्टेंट। बोट का डायरेक्शन आगे, सॉरी विंड का डायरेक्शन आगे की तरफ मान लिए, हेड उसका उधर, टेल इधर, ए का टेल यहीं, ए का हेड इधर, अब ये वाला एंगल नहीं होगा, यही वाला
एंगल होगा और रिजल्टेंट ये बताएगा. और वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा. बहुत सा एग्जाम्पल कहेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, एग्जाम में स्टेटमेंट एंड प्रूव करने आता है. वेक्टर से कोई पहला क्वेश्चन होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है. पहले का जितना चीज बताया थीटा के सोचते हैं वो आपको हम पहले कर, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, सब बता दिए. तो इफ A and B are two vectors and theta is angle between them. A and B are two vectors and theta is angle between them. Then the resultant vector is given by. Then the resultant vector is given by diagonal formed by A and B as two formed by parallelogram. A and B are two vectors. Theta is angle between them. Then the resultant vector is given by diagonal of parallelogram formed by A and B as two sides. ये इसका स्टेटमेंट है. रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय एंड फिगर ड्रॉ करने के बताइए रिजल्टेंट इसको प्रूव करने आता है वेक्टर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस. तो अगला वीडियो में आप प्रूव भी करेंगे और इसको समझाएंगे भी और भी बहुत सा एग्जाम्पल. सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, तो नोट कर लीजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.